नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं हेलो किसान यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अरहर की फसल में लगने वाले पत्ती लपेटक कीट या लीफ फोल्डर, इस कीट का पतंगा हरे रंग का होता है। इस कीट की मादा कीट जो होती है वह पौधे की ऊपरी पत्तियों में अंडे देती है और इन अंडों से हल्के पीले रंग की छोटी छोटी इल्लियाँ निकलती हैं जो कि पत्तियों को खाकर नुकसान पहुँचाती हैं। इस कीट की सुंडी पौधे की ऊपरी छोटी पत्तियों को लपेटकर चिपका देती हैं और आपस में तीन चार पत्तियों को जोड़कर एक दूसरे के से चिपका देती हैं, जिसके कारण उस शाखा में आगे जो वृद्धि होती है वह नहीं हो पाती है और ना ही उस शाखा पर फूल लगते हैं और ना ही फलियां आती हैं। पौधे की शुरुआती अवस्था में इस कीट का प्रकोप बहुत होता है। अरहर में लगने वाले इस कीट की नियंत्रण की बात करें तो अधिकांश यह देखा गया है कि यह खुद ब खुद कंट्रोल हो जाते हैं, लेकिन अगर आपको एक दूसरे से लिपटे हुए पत्तियां दिखें तो आप देखेंगे कि उनके अंदर इल्लियां रहती हैं जिसको आपको तोड़कर अलग करके नष्ट कर देना है तथा खेत से दूर जला देना है। किसान भाइयों, इस कीट के पत्तियों के अंदर छिपे होने की वजह से जैविक कीटनाशी इस पर असर नहीं कर पाते हैं। ज़्यादा प्रकोप होने पर इमामेक्टिन बेंजोएट 10 ग्राम या फिर डाइमेथोएट 25 ml प्रति 15 लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर छिड़काव करने से इस कीट से नियंत्रण मिल जाएगा और पत्तियां खुल जाएगी। तो किसान भाइयों, यह जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हेलो किसान चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आगे भी इसी प्रकार महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको मिलती रहें। धन्यवाद।